संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। संतान सप्तमी व्रत कब मनाया जाएगा? यह व्रत हिंदी पंचांग मनसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाई जाती है। इसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। हर वर्ष संतान सप्तमी मनाने की तिथि की अलग अलग दिन होती है। संतान सप्तमी कब है? इस वर्ष संतान सप्तमी 22 सितंबर को मनाया जा रहा है। संतान सप्तमी 2023 शुभ मुहूर्त। सप्तमी तिथि 21 सितंबर 2023 को दोपहर 2:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 9:10 के बीच होता है। इसके अलावा दोपहर में 1:55 से शाम 5:05 तक भी संतान सप्तमी की पूजा की जा सकती है। संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है? यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर माता पिता संतान प्राप्ति के लिए अथवा उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए इस व्रत का प्रभाव करते हैं। यह व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। उस प्रतिमा पर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षत श्रीफल सुपारी अर्पण की जाती है। दीप प्रज्वलित कर भोग लगाया जाता है। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई पर बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रख उसे जल में से 3 घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। परिवारजनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। भगवान के सामने मस्तक रख उसमें अपने मन की मुराद कही जाती है। बाद में उस भोग को प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजनों एवं आस पड़ोस में वितरित किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो अच्छी प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया यह व्रत करने का महत्व लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उभरने के लिए उसे संतान सप्तमी व्रत करने को कहा गया था। लोमेश ऋषि द्वारा संतान सप्तमी की व्रत कथा। अयोध्या का राजा था नहुस। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती थी। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों की सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गईं। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई वर्षों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रमती का नाम ईश्वरी एवं रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों ने बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति न पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। बोलो संतान सप्तमी माता की जय।